गाइस तो कैसे हैं आप लोग, खुले और लोग आ गए एक और फेस टू फेस चैलेंज रेस के साथ। गाइस आज की रेस डायरेक्टली ट्रैक पे नहीं होने वाली है। आज की रेस के लिए हमें रोड पे घूमना पड़ेगा, मुझे ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि कुछ चेक पॉइंट्स हैं, फिर हमें हवाओं में ले जाएंगे। नहीं, गाइस ट्रैक ऊपर बनी हुई नजर आ रही है। ओके तो अभी चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट और अभी फिर से चेक पॉइंट। और गाइस दोनों की गाड़ियां ना छुटारा है, इतनी कोई मस्त लगती ना शिटारो हम लोगों को, होती है ना तो हम कभी नहीं छोड़ते इसको, कभी नहीं, जरूर लेकर आते हैं। इसके आगे कोई गाड़ी अच्छी ही नहीं लगती, कोई भी बाइक। तो गाइस बहुत ही ज्यादा चेक पॉइंट्स हो चुके हैं, क्योंकि मैं तो कब से चेक पॉइंट, चल चढ़ने का रास्ता था फ्रॉगी पगली, चल यहाँ से चढ़ते हैं। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चढ़ा ही नहीं जा रहा आपकी दी से, चढ़ गई आपकी दी से। कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं होता है, हो जाता है, मतलब गेम से रिलेटेड, बाकी दूसरे कामों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, गेम से रिलेटेड मैं सब करने की कोशिश करती हूँ और अच्छे से करती हूँ। ओके तो अभी कितने चेक पॉइंट, अरे ये क्या है ये एक मोटा गेंडा पाइप है, जिस पाइप के ऊपर हमें वहां जाना है, आपको दिख रहा है कितना कोने पे। ओ माय गॉड, मैंने तो हमेशा चूहे को ऐसे पाइप से निकलते हुए देखा है, जब वो बिल्ली के लाइक बिल्ली को चकमा देने के लिए, डराने के लिए जाता है या उससे मस्ती ले रहा होता है, तो वो इस तरह के बिल में चला जाता है और फिर आ जाता है। और ये नुब कहाँ घूम रही है, नुबड़ी तू कहाँ घूम रही है, तो मुझसे पहले कैसे जा सकती है, जबकि मुझे फर्स्ट दिखा रहा है। और यहाँ पर वाइन वुड लिखा हुआ है। अच्छा, किसी ने ना वाइन वुड पे जो पहाड़ी है ना गाइस, उसी के बीच में इस ट्रैक को बना दिया है। और सच बताऊं इधर बहुत अंधेरा हो रहा है, आप लोगों को थोड़ी सी रोशनी नजर आएगी, क्योंकि वीडियो के अंदर एक्सपोजर बढ़ाया जाता है, वरना वीडियो का मजा सारा खराब हो जाता है। अंधेरे अंधेरे ना मतलब मुझे मस्त नहीं लगती रेस करना, थोड़ा रोशनी में बेटर लगता है, लाइटिंग होती है हमें अच्छा लगता है, बट वीडियो के हिसाब से मुझे नहीं अच्छा लगता अंधेरा अंधेरा। तो इसीलिए जिंदगी में कलर्स होने चाहिए, तो दिखाने के लिए भी अच्छे अच्छे कलर्स होने चाहिए। अरे ये क्या हो गया, तो अभी बीच सेफली आना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि होल से डायरेक्ट बाहर गिर सकते हैं। और ये क्या है गाइस, ये जो ट्रैक बनी हुई है ना, ये ऊपर नीचे है, मतलब के बिल्कुल भी सीक्वेंस में नहीं बनी हुई है, बेकार तरीके से बनाई, जिसने भी बनाई है पहाड़ियों पे टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ भी करके बना दिया है, घासें भी आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है, बट बना दिया है। और अभी मुझे आई थिंक ऊपर की तरफ जा, ओ चेक पॉइंट कहाँ दिया है, पागल किसने बनाई है ये ट्रैक, किसने बनाई, कौन है इतना बड़ा जीनियस, जीनियस जीनियस जीनियस। और मार्शल मॉन्स्टर ट्रक को टर्न करना तो मुश्किल होगा, फिसल ना जाए, बस पर फिसल ना मत, मोटे ट्रक पर फिसल ना मत, चलो चले। तो का हिसाब की दी कितनी प्रो है, कितना स्मूथली टर्न किया है, लाइक डर लग रहा था बट टर्न मैंने स्मूथली किया है। और यहाँ पर भी खतरनाक सीन है, मतलब वहाँ से गाड़ी उतारो और उतारने के बाद इतना कोई प्रॉब्लमेटिक सीन, गाइज बाइक लेकर घूम रही है, एंड आई थिंक उसको बाइक अभी डिलीवर नहीं किया, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले आपको बाइक ही डिलीवर करनी है, तो शायद उसको पता नहीं होगा जाना कहाँ है, और अभी हम बताने भी नहीं वाले हैं, उसे खुद ढूंढने देते हैं। फिर कैसे प्रो बनेगी, अगर हम ही उसका हर वक्त हाथ पकड़ के चलेंगे तो फिर वो प्रो कैसे बनेगी, कैसे स्किल्स डेवलप करेगी अपने अंदर। तो नुबड़ी तू कहाँ पर है, नुबड़ी आ जा मैं तुझे रास्ता दिखाती हूँ, आ जा, किधर है तू, गायब हो गई गाइस। आई थिंक के नुब को रास्ता मिल गया, लेकिन अभी भी बाइक लेकर गई है, या तो गिर गई होगी, क्योंकि इस पे से जाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक तो अंधेरा इतना हो रहा था वहाँ पे और सारा स्मोक वाला फील हो रहा था, स्मोक स्मोक निकल रही है, तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। ओके तो टैंक भी दे दिया, मतलब सारी डिफिकल्ट गाड़ियाँ दे दी, ऐसा तो मत करो, ऐसा तो मत करो मेरे साथ, नुब तू कहाँ घूम रही है, तुझे पता नहीं कि क्या कहाँ जाना है, पता नहीं कहाँ घूम रही है नुब, बाइक ले लेकर पूरी हो गई है। बेटा तुझे ना सबसे पहले पाइप पे जाना है, वही वाले ब्लैक कलर के पाइप पे, और वहीं पे डिलीवर करनी है बाइक को, समझ में आ रही है तुझे बात, पहली तो सुनती भी है। ओके तो गाइस नुब आई थिंक के अभी तक नहीं पहुँची, क्योंकि जिस स्पीड से जा रही है उस स्पीड से पता चल रहा है, ओ माय गॉड डिलीवर कर दी, नुब ने गाड़ी डिलीवर कर दिया है। तो नुब को ना कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, नुब बंदी बड़ी चीती है, डिलीवर कर दी है, मुझसे पूछा भी नहीं, वैसे मैंने बताने की कोशिश भी नहीं की है, वो तो मैं आपके सामने बता दिया, बट उसको क्या पता कि उधर डिलीवर करनी है इधर डिलीवर करनी है, वो मुझे देख थोड़ी ना रही है
तो उधर और इधर का क्या मतलब होता है? मैंने कोई इशारा थोड़ी ना किया है, सिर्फ उधर और इधर बोल दिया। ओके, तो उन्होंने खुद से डिलीवर की, अच्छी बात है। चीटी बंदी है हमारी, और बहुत टैलेंटेड बंदी है, ढूंढ लेती है। पूरी रेस खत्म होने के बाद तो ढूंढ ही लेती। अभी चेक पॉइंट गए, दिखाई कोई नहीं दे रहा, बट गाड़ी डिलीवर हो चुकी है। क्या बात है, किसने बनाई है ये ट्रैक? कैसे कैसे लोग है यार, किसी किसी ट्रैक्स बना देते। बगी बगी बग्गी ना अच्छे से हो गई टर्न, लाइक बग्गी का डोब तो बची तो नहीं रहा, डोब बची तो नहीं ना। लेकिन गाइस नो, आई थिंक के रिस्पॉन कर लिया है गाड़ी को उसने, क्योंकि गाड़ी उसकी डिलीवर हो चुकी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि वो गाड़ी डिलीवर करने वाला ही पॉइंट सीन लग रहा था मुझे, तो नोब ने डिलीवर कर दिया। नहीं ना प्लीज, अरे गाइस मेरी बग्गी इतनी एंड टाइम पे गिरी, ओ माय गॉड व्हाट अ बैड सीन। किस किस को बुरा लगा अपनी दी के लिए, फटाफट से बताओ कमेंट सेक्शन में, और लाइक मार दो ताकि आपकी दी को जितना बुरा लगा है ना, वो सारा का सारा गुस्सा बाहर निकल जाए लाइक्स को देखकर। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक मार दो, और हाँ अगर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हो? क्या आपकी दी का आप लोगों को गेम पसंद नहीं आता है? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो गाइस नोब आई थिंक दूसरी गाड़ी या तीसरी गाड़ी लेकर आ रही है, मेरे पीछे है, और अब तो उसे पता चल ही चुका होगा गाड़ी किधर लेकर जानी है और किधर नहीं लेकर जानी है। गाड़ी को हमने डिलीवर करना है इस पाइप के अंदर, और गाड़ी हमने लेकर आनी है ऊपर से, पाइप की ऊपर वाली साइड से। तो मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था मतलब डिफ़िकल्ट, बट अभी फ़िलहाल नहीं लग रहा, बिकॉज आपकी दी को तो एक बार बता दे बंदा, शेर नहीं है आपकी दी, शेर नहीं है, बिल्ली बोले तो चिढ़ जाते हैं हम, लेकिन कोई शेर नहीं बोल दे तो हाय कुर्बान कुर्बान जाते हैं। देखा जाए तो जानवर से ही आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, गाड़ी तो कहाँ डिलीवर करनी पता ही नहीं चलता, कैसे कैसे लोग भाई। पॉइंट तो दिखा दे, बेशक यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रेसिस हैं, 600 प्लस रेसिस की हैं मैंने, तो अलग अलग एक्सपीरियंस देखे मैंने, सारे बनाने वाले क्रिएटर्स ही हैं, रॉकस्टार वाले। ओए पागल गाड़ी, ओप्स 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 गाइस, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। मैंने कहा थोड़ा झूला ही झूल, अरे बूस्टर लगाना था इसका, बूस्टर ना गाइस सही से काम नहीं करता, जबकि इसका बूस्टर सबसे ईजी है, आप ए दबाकर कंट्रोलर से बूस्ट मार सकते हो, लेकिन ओफ मैं बार बार स्टिक दबा के इसको बेचारे को बूस्टर देने की जगह इसको उछाल रही हूँ। आई थिंक इसका जो है ना बूस्टर बेटर होता है, मैं जहाँ तक मुझे पता है विग्लांटे और रॉकेट वॉल्टिक के उनका सेम होता है, बट इसका थोड़ा अलग होता है। ओके, तो गाइस दो मार्शल मॉन्स्टर ट्रक लेकर जा रही हूँ मैं, कब का डिलीवर कर चुकी हूँ मार्शल मॉन्स्टर ट्रक, और नोब ने स्टार्टिंग में गाड़ी डिलीवर की है, क्योंकि नोब की गाड़ी स्टार्टिंग में ही डिलीवर होने वाली है, और मेरे पास क्या आया है मैं नोब को नहीं बताने वाली हूँ, तो अपने मार्शल मॉन्स्टर ट्रक को लेकर जाते हैं। तो मतलब नोब शुरू का मार्शल मॉन्स्टर ट्रक डिलीवर कर रही है, और आपकी दी लास्ट का मार्शल मॉन्स्टर ट्रक डिलीवर कर रही है। वैसे बटर वाला सीन है, बाकी देखते हैं कर पाती है आपकी दी नहीं कर पाती है। वैसे गाइस आप चाहो तो हमारे साथ खेल सकते हो, हमारे साथ खेलने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया है क्रू कैसे ज्वाइन करना है, और क्रू के अंदर कुछ रूल्स रेगुलेशन है ज्वाइन करने के लिए, उसमें सारी डिटेल बताई है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके या आगे आगे करके देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है और कौन से रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, ऑल राइट गाइज, तो मैं अपने मोटे से टायर वाले ट्रक को ले लेकर रोड पर भाग रही हूँ, बिकॉज अपना टाइम शुरू हो गया है जीतने का, अपना टाइम शुरू हो गया है। ए बोटे नागे गिर बात 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 गिर बात गिर ऐसा बात कर मेरे साथ ऐसा बात कर, मैं इतनी बुरी बंदी नहीं हूँ। ओके गाइज, तो फाइनली चेक पॉइंट ले लिया है, जिसके पीछे 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 दौड़ रही थी ना, तो वो चेक पॉइंट मैंने ले लिया है, और अभी मुझे लेना है विनिंग फ्लैग। वेयर इज माय विनिंग फ्लैग? मिल गया। यस, तो गाइस आपकी दी जीत चुकी है, और नोब बग्गी लेकर जा रही है, क्या बात है। और नोब तू कितनी देर में डिलीवर करेगी, क्या सीन है, आई डोंट नो। नोब तू कितनी देर में डिलीवर करेगी? तो गाइस नोब लेकर जा रही है बग्गी, और नोब का हो गया है DNF। आज की वीडियो खत्म करते हैं, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। विनिंग टॉस नोब के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Bye-bye.